जो हुए वो रात ही मैं दे नहीं सका आपको। अभी भी रहने दे। क्यों? मुंह दिखाई एक रस्म होती है। आपने तो मुझे नजर भी नहीं देखा। कैसे बताऊं? तुम्हारा मेरी नजरों के सामने रहना मेरी जिंदगी के लिए कितना इम्पोर्टेंट। मैं ये तो नहीं जानता कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत कभी होगी या नहीं, लेकिन मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। और हमेशा करता रहूँगा। कितनी सारी बातें राज की तरह आपने अपने दिल में छुपा रखी। मैं कल रात कुछ कहा ना आप कुछ कहें। इतराफ़े मोहब्बत शादी से पहले ही जरूरी होता है क्या? मैं आपकी हूँ, मैं आपके निकाह में कुछ तो कहें। अच्छे लग रहे हैं। जो हो गया उस पे मिट्टी डालो, ये सोचो आगे क्या करना है। अरे क्या करना है अम्मी, क्या करेंगे? ये तो सोचने समझने की सलाहियत ही खत्म हो गई है। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। अरे मुझे सब समझ आ रहा है। कुछ दिनों के लिए दिमाग को ठंडा रखो और फरियाल से उलझने की कोई जरूरत नहीं है। ये क्या कह रही हैं? मतलब बोल क्या रही हैं? ये सब कुछ जो हो रहा है उसकी जिम्मेदार वो है और मैं चुप रहा हूं। अरे अब उसी की वजह से रोजगार भी मिलेगा और अच्छी पोस्ट भी। मतलब कुछ भी कैसे? फरियाल से कहके अनाया के रिसेप्शन पे जाने की तैयारी करो। भाई तुम्हारी साली इतने बड़े घर में गई है और बड़े लोगों से ताल्लुकात बिगाड़े नहीं जाते। अब तुम्हारा रिश्ता तुम्हारी साली से ही नहीं उसके शौहर से भी हो गया है। और सुना है उनका तो कारोबार बहुत फैला हुआ है। तुम्हें भी अपनी किसी कंपनी में आखिर सेट कर ही देंगे। अरे ये बात मैंने कैसे नहीं सोची? जो होता है ना अच्छे के लिए ही होता है। ये तुम्हारी कंपनी वाले देते क्या थे? पिछले 2 साल से तो तनख्वाह में इजाफा नहीं किया था। कितनी मेहनत करते थे तुम, अब देखते जाओ कितना हुन बरसता है। जाऊंगा मैं शादी में, वो अपना काला वाला सूट पहन ले। अनाया सब कुछ चेक कर लो, देख लो हम घर से सब ले आए ना, ये ना कुछ छोड़ आए हूँ घर पर। हाँ मैं देख लेती हूँ। ये देखो, ये रहा तुम्हारा ड्रेस, अच्छा है ना? मैं आज ये पहनने वाली हूँ। हाँ मम ने सिलेक्ट किया है, do you like it? सवेरा मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती, उसकी स्लीव्स भी नहीं है। अनाया कम ऑन, नया ट्रेंड है आजकल बहुत इन है। और हैंग ऑन अ सेकंड, ओह माय गॉड, ओह वेट, इसकी कितनी हाई हील है ये देखो। ये
आई थिंक मॉम ने नोटिस नहीं किया. एक्सक्यूज मी. हेलो, हाय आमिर. I am so proud of you. हर तरफ तुम्हारे चर्चे हैं. उफ, जिस बहादुरी के साथ तुमने फैक्ट्री के मजदूरों की जान बचाई है, सब तुम्हारे बहुत मशकूर हैं. एक अखबार के एडिटर ने तो तुम्हें रातों रात हीरो बना दिया है. वो सब तो ठीक है, लेकिन ये सब कुछ मैंने पब्लिसिटी के लिए थोड़ी किया. मुझे जो वहाँ करना था और जो करना चाहिए था वही किया मैंने. और खासतौर पर तब जब लोग मुझे इस उम्मीद से देख रहे हैं, एक इंसान मुझे इस उम्मीद से देख रहा है कि मैं उसकी जान बचाऊं, उसके लिए कुछ करूं, मैंने तो वही किया. बेटा, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? अमित, प्लीज रिलैक्स कर. आपका बेटा आपके सामने ना, बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र. शुक्र है खुदा का. आया की कॉल आ रही है. हेलो मायर, मैं वो आपसे एक बात करनी थी. हाँ बोलो. माय, क्या हुआ? खैरियत है? तुम परेशान लग रही हो. समझ नहीं आ रहा कि क्या बताऊं. अरे, जब तक तुम मुझे अपनी प्रॉब्लम नहीं बताओगी, मुझे किस तरह समझ आएगी? क्या प्रॉब्लम है? बता नहीं रही, कुछ कह नहीं पा रही. मैं बात कर लेती हूँ. जिम्मी भाई, मैंने बताया नहीं, नूर बाहर इंतजार कर रहा है तुम्हारा, मुझे मिलने के लिए आया हुआ है. जाओ जाकर उससे बात कर. लेकिन ये हाँ, मैं बात कर रही हूँ. हेलो, क्या परेशानी है? आंटी, आपने जानबूझकर ऐसा जोड़ा रखा है मेरे वलीमे के लिए. आप जानती है ना कि मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती. हाँ, लाखों रुपए की मालियत का सूट तुम्हें मुनासिब नहीं लग रहा. बेटे की शादी की सेरेमनी है. क्लास डार्लिंग, क्लास. अपनी सोच बदलो. शादी सिर्फ लड़के से नहीं होती है, खानदान में भी एडजस्ट करना पड़ता है. तुम्हें हजारों की भीड़ में अलग दिखना है. I'll see you there. God bless you. नाया का रिसेप्शन है. उसने कितने दिन से बुलाया था मुझे. मुनीब अपनी जॉब की वजह से अलग परेशान है. मुझे नहीं लगता वो जाने के लिए राजी होंगे, और मेरा जाना भी मुनासिब नहीं रहेगा. ऐसा करती हूँ, मम्मी को कॉल करके ना माजरत कर लेती. हाँ, यही सही रहेगा. किसको कॉल कर रही थी? वो आज अनाया का रिसेप्शन था. सोचा मम्मी को फोन करके मना कर दूं कि हम नहीं आ पाएंगे. क्यों? हम क्यों नहीं जाएंगे? अरे, परेशानियां तो आती जाती रहती हैं. रिसेप्शन तो एक ही दफा होगा ना. हम जरूर जाएंगे, बल्कि घर के पास सैलून है, सोच रहा हूँ वहां जाके जरा तैयारी कर लूं. अच्छा भी तो लगना है ना. हाँ,
अरे क्या, अरे ऐसे क्या देख रही हो यार? सोच रही होगी कि कैसा पागल आदमी, क्या भी लड़ रहा था, बदतमीजी कर रहा था, और अब देखो मैंने सोचा इस बारे में, नौकरी का क्या है, एक चली गई है दूसरी मिल जाएगी, अल्लाह पाक की रजा में राजी हूं मैं, कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए, है ना? क्या, अरे इतना प्यारा चेहरा है तुम्हारा, मुस्कुराती राख अच्छी लगती। अच्छा चलो उठो, देर हो रही है, उठो तैयारी करो, बल्कि तुम आज तुम निकालोगी मेरे लिए कपड़ा, ब्लैक सूट, जल्दी करो, मैं सैलून से होके आता हूँ, हाँ तैयार हो जाना टाइम पे। ये अचानक मुनीत के रवैये को क्या हो गया है? अजीब रिएक्ट कर रहे हैं, कहीं वहां जाके कोई तमाशा तो नहीं करने वाले? अभी ड्रेस पहनने तक ही आपको तैयार करें। ठीक है, आप मुझे बस थोड़ा सा टाइम दें। ठीक है, थैंक यू। हाय। ओह, नीज़े। हाय। मुझे मायर ने यहाँ भेजा है तुम्हारी मदद करने के लिए। क्यों, कोई कोई जरूरत तो नहीं थी मुनीसे तुम्हें आने की? क्या जरूरत थी और क्या नहीं थी ये सब मैं तुम्हें डिटेल में बता सकती हूँ, मगर स्टोरी बहुत लंबी है और वक्त बहुत कम है। दो घंटे में तुम्हारा रिसेप्शन शुरू होने वाला है, गेस्ट आने वाले होंगे, तुम्हें तैयार हो जाना चाहिए। हाँ लेकिन वो मुनीसे मैं ना ऐसे कपड़े पहनती नहीं हूँ, उसका गला बड़ा अनकंफर्टेबल है और फिर स्लीव्स नहीं है, मैंने कभी ऐसे जोड़े नहीं पहने। इतना एक्सपेंसिव आउटफिट पहनने के लिए तुम्हारे जैसी लड़कियां तो ख्वाब देखती हैं। यू आर वेरी लकी अनाया, जो तुम डिजर्व नहीं करती तुम्हें वो भी मिल रहा है। और वैसे भी इस ड्रेस में क्या प्रॉब्लम है, दुपट्टा है, शरारा है, सब कुछ तो है। एंड फॉर नाउ You don't have any other choice. इसलिए time ज़ाया किए बगैर go get ready. हाँ लेकिन इसकी sleeves का कोई हल निकाल लेते। वेलकम 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 करीम, रिसेप्शन को आप ही का तो इंतजार था, स्पेशल गेस्ट हैं आप लोग। बहुत बहुत शुक्रिया। मिठाई मिठाई मुझे क्यों दे रही हो? अब पकड़ लो, रख लो कहीं।
आप लोग रास्ते में इस तरह क्यों खड़े हैं? बैठ जाइए ना जाके कहीं। जी मैडम। करीम तुम नहीं, तुम लोग जाके बैठो, मैं आ रहा हूँ। जी अच्छा, आए आप भी। इधर आ। जी मैडम। तुम क्या समझते हो महफिल में आने से मेरी इज्जत पड़ जाएगी, जो यूं मुंह उठाए गुस्से चले आ रहे हो? सबको पता है तुम मेरे ड्राइवर हो, अभी थोड़ी देर में सब जान लेंगे कि मेरी बहू एक मामूली ड्राइवर की बेटी है। तुम्हें मेरा न सही अपनी बेटी की इज्जत का ख्याल है? इस रिसेप्शन में शहर के अमीर मशहूर लोग आए हुए जो तुम्हारी बेटी से मिलेंगे। तुम्हें अपनी बेटी की खुशियों का कोई एहसास नहीं? नहीं नहीं मैडम, मुझे अपनी बेटी की खुशी हर हाल में अजीज है। जैसा आप कहेंगी मैं वैसे ही करूंगा। तो बचाओ, मगर इस स्टेज के इर्द गिर्द तो मुझे नजर ना हो, बेटी के करीब जाने की कोशिश भी मत करना। एक मिनट, ये लो, काम आएगा। चाहो अनाया अभी कहाँ रह गई? मुझे तो लगा वो सबसे पहले आएंगी, लेकिन नजर ही नहीं आ रही हो तो। अरे बेटा, घर से निकलते वक्त मेरी फोन पे बात हुई थी उससे, बस बोल रही थी निकलने वाले, पहुँचने वाले होंगे। अच्छा तो फिर ये बाबा कहाँ है अब? बेटा जानती तो हो अपने बाबा को, वो तो बस अनाया को देखने के लिए बिल्कुल बेताब हुए जा रहे थे। घर में ही कह रहे थे जल्दी चलो जल्दी चलो, बाहर कहीं खड़े होंगे, इंतजार कर रहे होंगे अपनी शहजादी का। जब तक वो अनाया को देख नहीं लेंगे, उन्हें सुकून थोड़ी मिलना है। बाबा भी ना, और मुझे तो लगता है कि अनाया आपी की आंटी ना दमदार होने वाली है। देख रही हैं आप कितनी लाइट्स लगी है, कितनी सजावटें हुई और कैमरास देखें। हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है, बस अल्लाह मेरी बच्ची को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे और बुरी नजर से बचाए। देख के हैरान हो रही, देख रही मैं कैसी लग रही? मेरी बेटी शहजादी लग रही। बस आ जाए अब ये जल्दी। हाँ तो और क्या। आपको पता है कि मायर ने मुझे अनाया की मदद करने के लिए वहाँ भेजा था, और मैं वहाँ गई भी थी, मगर उसकी हेल्प करने के लिए नहीं, उसके चेहरे की हवाइयाँ देखने के लिए। एंड यू नो व्हाट, शी वाज सो स्केयर्ड, यू हैव नो आइडिया, हैंडल नहीं कर पाएगी वो ये सब कुछ। मुझे पता था वो परेशान होकर मायर को कॉल करेगी। थैंक यू। थैंक यू। लेकिन मैंने मायर को बिजी रखा, अब पता चलेगा उसके कॉन्फिडेंस का कि किस तरह वो ड्रेस कैरी करती है और हाई हील्स, लग पता जाएगा। लेकिन वो रह कहाँ गए इतनी देर का पता? I don't know. वो रहे। Thank you.
फरियाल आप ही चलो ना, अनाया वहां स्टेज पर अकेली बैठी हुई, चलो आप पिक्चर्स लेते हैं, चलो चलो। मुनीम आप चलेंगे? मैं नहीं जा रहा, तुम जाओ। जीजू चले ना, वो अकेली बैठी हुई है। अच्छा चलो आओ, चलो तुम जाओ। चलो चलो। ये जूनी कहाँ चली गई है? शायद अम्मी के पास गई है। माशाल्लाह तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, कहीं तुम्हें मेरी नजर ना लग जाए। अरे अच्छा मुझे बताओ बाबा कहाँ है? बाबा यहीं कहीं होंगे, अम्मी भी ढूंढ रही थी, क्या तुमसे मिलने नहीं आए? अच्छा तुम दिल छोटा नहीं करो, ऐसा हो सकता है कि बाबा तुमसे ना मिले, कहीं मसरूफ होंगे, आ जाएंगे मिलने। माँ भी नजर नहीं आ रही। आ गई मैडम। भाई क्या बातें हो रही है मुझे अकेले छोड़कर। हाँ बताओ इसे क्या बात कर रहे थे हम? हम ये कह रहे थे कि जरा इधर उधर नजर डाल के देखते हैं, इस रिसेप्शन में हमें तुम्हारे लिए कोई लड़का पसंद आ जाए। अच्छी बात। तुम लोग ना, तुम लोगों से बस सिर्फ फजूल बातें करवा लो, मुझे ना यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, बल्कि मुझे तुम लोगों से बात ही नहीं करनी चाहिए। अरे सुनी तू है जो करना है। नहीं नहीं भाई, मुझे कुछ बात ही नहीं करनी। यहाँ से आ रही थी, टक्कर हो गई, पानी गिर गया। हाँ वो मैं वहां से आ रही थी तो टक्कर लग गई और पानी गिर गया। It's okay. I'll just put the glass away. Okay. कुछ चाहिए क्या? अब कुछ नहीं, नो सॉरी। वो लड़की जितनी सीधी दिखती है उसे कहीं ज्यादा शक है। उसे इस घर में आए 2 दिन नहीं हुए और वो मेरे दिमाग को इस तरह समझ रही है जिसे सालों से जानती हो। अनाया के लिए मायर का साथ उसकी ताकत और मेरी कमजोरी है। मुझे मायर को अनाया से दूर करना हो। ऐसा नहीं करना चाहिए था आपको। क्या नहीं करना चाहिए था? आपका दिया हुआ जोड़ा बहुत महंगा सही, लेकिन माजरत के साथ बहुत बुरा था। आंटी इज्जतों में इस घर की, और आप अपनी ही इज्जत को सबके सामने उछालने चली थी। What are you on about? ये क्या ड्रामा खेल रही हो? ड्रामा खेलने की शौकीन तो आप हैं। क्या चेहरा क्या है आपका? कभी देखो तो इतनी पॉजिटिव और कभी इतनी नेगेटिव। आप एक क्यों नहीं बन जाती हैं, अच्छी या बुरी? सपोज आई एम बैड, मैं बहुत बुरी हूं, क्या बिगाड़ लोगी मेरा? मैं आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ना ही बिगाड़ना चाहती। आपकी इज्जत करने के लिए मेरे पास ये एक वजह बहुत है कि आप मेरे शोहर की माँ हैं, और इस रिश्ते के लिहाज से आपका रुतबा मेरी नजर में बहुत बड़ा है। आपको बेशक अपने रुतबे का मान ना हो, लेकिन मुझे इस रिश्ते का पास है, क्योंकि मेरी माँ कहती थी सास माँ की जगह होती है। लेकिन इस घर में आने के बाद मैं इतना जरूर समझ गई, बहू बेटी की जगह नहीं हो सकती,
मेरा तुम्हारी जिंदगी में क्या रोल है ये बहुत जल्द तुम्हें वक्त बता देगा डार्लिंग। बाबा मैं आपसे लड़ूंगी भी और मैं आपसे नाराज भी होंगी। शादी होगी तो क्या मतलब है, मैं अब भी पहले वाली अनाया हूँ। लाडली हो इसीलिए तो हर बात का ख्याल रखता हूँ कि मेरी वजह से तुम्हें किसी मुश्किल का सामना न करना पड़े। बाबा कैसी मुश्किल, आप क्यों ऐसी बातें करते हैं? कुछ नहीं बेटा, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि बड़े घर की बहू की बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। अब तुम्हें उस घर के बारे में सोचना है बेटा। आपकी आवाज को क्या हुआ, रोई है ना? नहीं नहीं बेटा, बस शाम से मेरा गला खराब है। तुम ये बताओ तुम ठीक तो हो ना? दिल में अजीब अजीब से वहम आ रहे हैं। बाबा क्यों मेरे लिए परेशान होते हैं, मैं खुश हूँ, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। आपने और माँ ने जैसे हम सफर का मेरे लिए इंतखाब किया था, माँ बिल्कुल वैसे हैं। बाबा आपने उनको पहचानने में कोई गलती नहीं की, वो दिल के बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। आप परेशान मत हुआ करें प्लीज। बेटा खुद को कभी अकेला मत समझना, तुम्हारे बाबा हर वक्त तुम्हारे साथ हैं। अपना हर दुख हर परेशानी अपने बाबा से आकर कहना, कुछ मत छुपाना मेरे बेटा, बोलो कहोगी ना? चलें बस अब रोना नहीं है, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, मैं फिर आपको फोन करूंगी ठीक है? खुश रहो मेरी बच्ची, आबाद रहो। खुदा हाफिज। ठीक है बेटा, खुदा हाफिज। शाजिया। जी मैडम। ये मायर भाई को देकर आ जाओ। जी मैडम। थैंक यू मायर, आज मेरा इतना साथ देने के लिए। आपकी वजह से मुझे इतना हौसला मिला कि मैंने वो चेंज की हील्स पहनी, नहीं तो इतने सारे लोगों में मैं अपना कॉन्फिडेंस लूज करती थी। आप ना होते तो पता नहीं क्या होता। खुदा ना खास्ता मायर, मैं गिर जाती तो मैं तुम्हें कभी भी गिरने ना देता। शांति, मुझे भरोसा है कि आप जिंदगी के किसी मोड़ पे मुझे तन्हा नहीं छोड़ेंगे।
बैठो, मैं देखता हूँ। साहब चाय। थैंक यू। चाय पियोगी? वो एक्चुअली रूटीन के हिसाब से एक कप भेज दिया। तुम कहती हो तो मैं और बनवा देता हूँ। नहीं नहीं, नो, इट्स ओके। मेरा वैसे भी दिल नहीं, आप पी लो। यू श्योर? मैं आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ प्लीज गो अहेड। आप नाराज हैं मुझसे? सॉरी, मैं क्यों तुमसे नाराज हूँ? मैं ऐसा क्या किया? ऐसे ही मुझे फील हुआ, सोचा पूछ लो। ठीक है, आप नींद आ रही है आपको? हाँ, पता नहीं अजीब सी थकावट सी हो रही है। सो जाएं फिर आप, आराम कर लें। कुछ चाहिए आपको? लाइट्स में सॉफ्ट कर देते। सुने, मेरी कल रात को बाबा से बात हुई थी। उनकी आवाज से लग रहा था उनकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं सोच रही थी मैं घर जाके उनसे मिलूं, अगर आपकी इजाजत हो। इसमें इजाजत वाली कौन सी बात है? तुम्हारा अपना घर है, तुम्हारा जब दिल चाहे तुम वहां जा सकती हो बगैर मुझसे इजाजत। थैंक यू, लेकिन आप तो ऑफिस जा रहे हैं। हाँ, वो अभी मीटिंग में कुछ टाइम है, तुम तैयार हो जाओ फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा रास्ता। वाह भाई, तुम्हारी मॉर्निंग तो बड़ी फ्रेश लग रही है। कहाँ जाने का प्लान है? अम्मी, वो अनाया को बाबा से मिलना था तो वहीं जा रहे हैं। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है भाई? नई शादी हुई है, घर में लोगों का आना जाना है। किसी ने पूछा है कि अनाया कहाँ है तो मैं क्या जवाब दूंगी? ऐसी बात है तो आंटी, मैं नहीं चाहती फिर कभी चली जाऊंगी। अरे अनाया, क्या हो गया? इरादा कर लिया तो जाएंगे ना, और वैसे भी मेरी एक मीटिंग है, वो एक दो घंटे में ख़त्म हो जाएगी, इसे वापस पिक करूँगा, वापस आ जाएंगे, और इतनी सुबह सुबह वैसे भी किसने आना है ना। चलो कोई बात नहीं, अगर एक दो घंटे की बात है तो इट्स फाइन। थैंक यू। थैंक यू आंटी। थैंक यू की क्या बात है बेटे, वो तुम्हारा मैका है, उनका आज भी इतना ही हक है जितना कल था। अरे कंगन, कितने प्यारे, कितने कीमती लग रहे हैं, मैंने तो नहीं दिए।
माइंड ने दिए थे। मुंह दिखाई, राइट? जी मैम। एनीवेज चले, देर हो रही। हाँ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। फिर जो हुए वो